ऊना भासुमा ने पूर्व सीपीएस कांग्रेस नेता नीरज भारती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भासुमा कार्यकर्ताओं ने नीरज भारती के पुतले को जूतों की माला पहनाकर ऊना में रोष रैली निकाली और रोइट्री चौक पर पुतले को फूंका। इसके बाद भासुमा कार्यकर्ताओं ने एसपी ऊना को ज्ञापन सौंपकर नीरज भारती के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती द्वारा सोशल मीडिया पर पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ की गई भद्र टिप्पणियों को लेकर रोष बढ़ना शुरू हो गया है। ऊना भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिला मुख्यालय पर नीरज भारती के खिलाफ एक रोष रैली निकाली। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नीरज भारती के पुतले को जूतों की माला पहनाकर रोष रैली निकाली और पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान भाजुमा कार्यकर्ताओं ने नीरज भारती के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जिला भाजुमा ने एसपी ऊना दिवाकर शर्मा को एक ज्ञापन सौंपकर नीरज भारती के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाने की मांग भी उठाई है। भाजुमा के महासचिव लखवीर लखी ने कहा कि नीरज भारती निहायती बेशरम इंसान है। जिस नेता की मृत्यु के शोक को लेकर कई देशों ने अपने राष्ट्रीय ध्वज तक झुका दिए हैं, उस नेता के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां भाजुमा सहन नहीं करेगी। नीरज भारती जो कांग्रेस के पूरा विधायक है वो बेशरम है, निहायती है, बहुत ज्यादा बेशरम है। उन्होंने देवभूमि को शर्मसार किया है, हिमाचल को। ऐसे नेता जननायक के खिलाफ उन्होंने भद्दर टिप्पणियां जो की है, पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी राष्ट्रीय ध्वज झुका दिए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के मान सम्मान को लेकर पूरा देश शोक में है, लेकिन इधर हिमाचल देवभूमि से एक ऐसे युवा जो बोले युवा कांग्रेस के नेता है, पूर्व में एमएलए भी रह चुके हैं, लेकिन उनकी जो भद्दर भाषा है, उन्होंने जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भद्दर भाषा का उपयोग किया है, महिलाओं के मान सम्मान के लिए ऐसी भद्दर भाषा बोली है, मैं तो बोलता हूँ ऐसे आदमियों का नाम भी लेना मैं उचित नहीं समझूंगा। और हिमाचल में देवभूमि के नाम से हिमाचल जाना जाता है, इन्होंने हिमाचल को शर्मसार नहीं किया, पूरे देश को शर्मसार किया है। इससे युवा मोर्चा बिल्कुल सहन नहीं करेगा, और अगर कांग्रेस को भी स्पष्ट स्थिति करनी होगी, इससे इस्तीफा लेना होगा।